फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज हमें मलाड़ मालवनी सेंट मैथ्यू स्कूल में यहाँ पर आई कैंप लगा हुआ है। आई की हर एक सोल्यूशन दी जा रही है। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी सेंट मैथ्यू स्कूल के प्रिंसिपल मिस लार्जेस वर्गीस जी से, और यहाँ पर कई लोग हैं इनसे भी जानते हैं इस कैंप के बारे में। आज कम से कम 1000 का रजिस्ट्रेशन हो गया, और इधर एक तो स्पेशलिटी बोले तो सेंट मैथ्यूज हाई स्कूल और अंबानी हाई स्कूल, हम ये दोनों बच्चे लोग कम से कम 50 to 50-100 बच्चे लोग इसके अंदर पूरा मेहनत कर रहे हैं। उन लोग को ट्रेनिंग दिया, उन लोग पूरा बेसिक स्क्रीनिंग उन लोग को थ्रू काम कर रहे हैं। उसके बाद में लोटस कॉलेज का जो ऑप्टोमेट्रिस्ट ये लोग है उधर काम कर रहा है, तो बहुत बड़ा सेटअप, बहुत बड़ा टीम है इधर काम कर रहे हैं। In Malwani? Well, we'll be working with Larzi, our guest, to create another project that she is dreaming of, which is to take this project outside of the school into the neighborhood and to create another project to help people. Today is a very important day for us. It's the third day of our iCamp, which is hosted by St. Matthew's High School here in Malwani. However, it's the first day when we are working with adults. So the first 2 days, we were able to screen many, many children for their vision problems. Today we are working with local community. We have lots of adults coming for help. Many of them, most of them require glasses, either for short-sightedness or for nearsightedness, and many of them also require cataracts operations, which will be provided for them free of charge. I think people are getting benefit or not? I think they're getting a huge benefit, and so are we, because we're learning a lot and we're very happy that we can help. What I am thinking that Malwani mein aapko malum hai abhi Ambujwadi area bahut baki hai. अम्बुजवाड़ी में एरिया में आपको मालूम है बहुत ज़रूरतमंद लोग बहुत हैं, और उधर एक कैंप लगाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और वैसा ही जनपत्र नगर बोरवेली में, बोरवेली वार्ड नंबर 1, तो उधर भी बहुत ज़रूरत है। ऐसी स्लम है उधर, उधर भी हम लोग और एक प्रोजेक्ट चालू करने वाला है, और पूरी स्कूल को कनेक्ट करके, मालवनी के पूरी स्कूल को कनेक्ट करके हम लोग और एक प्रोजेक्ट सभी प्रिंसिपल्स को साथ बात करके। आई सॉल्यूशन के अलावा और कुछ आपने सोचा है मालवनी के लिए? नो, वो तो 100 के जो प्रोजेक्ट है ICU2, उसमें एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ, ये सब प्रोजेक्ट है, तो वी विल डिस्कस विद देम व्हाट वी कैन डू एल्स। बट अम्बुजवाड़ी 1 more प्रोजेक्ट, देन इन बोरवेली 1 more प्रोजेक्ट, that we will, I will discuss with him, then that we are going to implement soon. इस तरीके से यहाँ पर भीड़ लग रही है, जनरल पब्लिक की, बच्चों का टेस्ट किया आपने, जनरल एरिया का टेस्ट किया पब्लिक का, ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है और लोगों को जरूरत है? बहुत प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कल 8 महीने के बच्चों को दोनों आँख में कैटरेक्ट का प्रॉब्लम निकला, उनको आज हम लोग ने लोटस हॉस्पिटल में हम लोग ने रेफर किया, और वो पेरेंट बहुत वरी था। अभी देखो अच्छा कैसा अच्छे अच्छे काम हो रहा है। आई एम सल्यूटिंग टू मिस्टर हंडर एंड मिसेस हंडर, इन लोग इतना दूर से ये लोग इधर आया, तो इधर ये जो अपना जनता के लिए, अपना मालवनी के जनता के लिए काम कर रहा है। माय नेम इज़ गायत्री, आई एम फ्रॉम लोटस कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड लोटस आई हॉस्पिटल। हम यहाँ पे मालवनी के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे कि मैम ने और मिस्टर क्रिस्टोफर ने यहाँ पर कैंप रखा है, तो यहाँ पर हम उनका बेसिक आई चेकअप करके उसमें जो भी पेशेंट्स के आँखों में अगर कैटरेक्ट है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो वो हम यहाँ पर डायग्नोस कर रहे हैं एंड हम उनको रेफ़र कर रहे हैं हॉस्पिटल में। इफ़ हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो हम उनको हॉस्पिटल भेज रहे हैं फॉर फर्दर टेस्ट। अदरवाइज वी आर डूइंग हियर रिफ्रैक्शन ऑल्सो, सो दैट वी आर गिविंग दैम स्पेक्टिकल्स फॉर द नियर एंड फॉर द डिस्टेंस ऑल्सो, सो दैट पेशेंट कैन ईजिली सी फार एंड क्लोज ओवर, दे कैन डू इजिली डेली लाइफ, दे कैन डू देयर इजी डेली लाइफ इजिली।